पास का रहने वाला हूँ, और रात को कोई 12:30 के बाद में हमने कुछ फायरिंग की आवाज़ सुनी जो लट्ठी के बीच में पड़ता है। तो उसके बाद में हमें रात को बड़ी फायरिंग की आवाज़ सुनी और साथ में लाइटें वगैरह चढ़ रही थी ऊपर। अभी हमें नहीं पता कि उधर कोई मिलिटेंट मरा है या नहीं मरा, अभी कोई हमारे पास अपडेट नहीं सर। राजौरी जिला की दूरदराज खवास तहसील के लट्ठी इलाका में बीती रात से ही मिलिटेंट्स व हिफाजती दस्ते के दरमियान गोलाबारी का तबादला चल रहा है। जो सरकारी जराये की तरफ से हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक ये जो घने जंगलों का लट्ठी का इलाका आप देख पा रहे हैं, इस लट्ठी के इलाका में बीती रात एक खास इतलाह की बिना पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कॉर्डन व सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान वहां छिपे बैठे मिलिटेंट्स व सिक्योरिटी फोर्सेज व पुलिस की टीम्स के दरमियान कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ, जिसके बाद गोलाबारी का तबादला शुरू हुआ जो रात तकरीबन 1 बजे से लेकर अभी बदस्तूर जारी है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन में रखा गया है और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन को काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लट्ठी और इसके गिर्दो नवा के कुछ इलाकों में लोगों को यही अपील की गई है कि वो बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। राजौरी के लट्ठी खवास इलाका से GK वेब टीवी के लिए मैं सुमित भार्गव।